मेरे बंधुओं, आज हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाने आए हैं। एक चीज जान लेना, जब हम किसी के जन्म पर जाते हैं और किस परिवार में जाते हैं, किसके घर जाते हैं, किसके यहां जाते हैं, हमारी महत्ता उतनी बढ़ जाती है। तो आज तो इस पूर्ण अवतार परमात्मा कृष्ण के जन्म उत्सव पर आए हो तो सोच तेरी महानता कहां चली गई होगी, कितनी ऊपर उठी होगी। अरे उसके बनाए हुए लोगों के अगर जो बड़े हैं उनके घर जाते हो तो तुम इतने बड़े हो जाते हो, और जिसने सारे दुनिया को बनाया उसके जन्म दिवस पर आए हो तो तुम कितने ऊपर पहुंचे होगे, तुम कितने बड़े होकर आए होगे। मेरे बंधुओं, आज हम कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाने आए हैं, और उत्सव को मनाने आए हैं जो उत्सव जो जीवन में, कहते हैं मनोरंजन अलग चीज है जीवन का और उत्सव अलग चीज है जीवन का। मनोरंजन और उत्सव में बहुत अंतर है। मनोरंजन मन का रंजन जो अपने से दूर लेकर जाता है, जो अंदर से बाहर लेकर जाता है। आप सिनेमा देखने गए हो, 3 घंटे सिनेमा के हॉल में बैठे हो, सिनेमा देख रहे हो, खुद को भूल जाओगे। सिनेमा में दुख होगा तो रो लोगे और वहां सुख होगा तो हंस लोगे, इसलिए कि तुम अपने से बाहर हो गए हो। तुम टेलीविजन देखते हो और टेलीविजन देखते देखते तुम उसमें कोई अगर देख रहे हो और देखते देखते तुम इसमें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हो कि क्या होता है तुम्हें पता नहीं चलता है। तो मनोरंजन जो खुद से बाहर ले जाता हो, और उत्सव जो दूर से अंदर लाता हो, जो बाहर से खुद में लाता हो। मेरे बंधुओं, कृष्ण की सबसे प्यारी, जिसको कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते थे, सारा दुनिया कृष्ण के पीछे रहता था और कृष्ण राधा के पीछे रहा करते थे। वो राधा का नाम राधा क्यों पड़ा? विद्वानों का कहना है, इतिहासकारों का कहना है कि राधा नाम का कोई हुआ ही नहीं। मेरे बंधुओं, इस बहस में नहीं पड़ना, इसलिए कि तर्क से नरक तक की यात्रा होती है, स्वर्ग तक की नहीं। तर्क से नरक तक की यात्रा होती है। अगर स्वर्ग और मोक्ष में जाना है तो विश्वास करना होगा, और देखते हुए, विश्वास करते हुए, सबको छोड़ते हुए पहुंचना होगा। सबको छोड़ते हुए, हर चीजों से मुक्त होते हुए। और एक चीज जान लो, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। कहते हैं इन पुशिंग द लोअर यू विल बी ऑन हायर। जब अपने तुम नीचे की चीजों को, अपनी बुराइयों को छोड़ोगे तभी तुम ऊंचाइयों को पाओगे। जब तक तुम बुराइयों को नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम अपने उस लोअर को पुश नहीं करोगे, एक बात बताओ, तुमको दूसरे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहले सीढ़ी को पुश करना होगा, उस पर पांव रखना होगा। तो जब तक तुम अपने बुराइयों पर नहीं चढ़ोगे, नहीं जाओगे, जब तक बुराइयों को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अच्छाइयों को नहीं पाओगे। जानते हो मेरे बंधुओं, एक चीज देखना, 100 कमल के पंखुड़ियों के प्रतीक कृष्ण। कमल का अर्थ क्या होता है जानते हो? उसे जलज भी कहते हैं। वो जल में होता है, और वो पैदा कहां से होता है? वो जल बहुत साफ नहीं होता है, कीचड़ से कमल बनता है। कमल और कीचड़ में एक ही अंतर है, कमल उस कीचड़ का ही अंश है, उस कीचड़ से ही निकला है, उसी से निकला है, वहीं से निकला है। कीचड़ कभी स्वीकार नहीं करता कि कमल महान है। वो कहता है कल तक तो तुम मेरे साथ थे, आज महान कैसे हो गए, तुम तो कीचड़ हो। लेकिन वो कमल कहता है एक ही अंतर है भाई, जो नीचे गिरा वो कीचड़, जो ऊपर उठा वो कमल। जो रह गया नीचे वो कीचड़, जो खिल गया वो कमल, जो खिला वो कमल, जो उठा वो कमल। तो मेरे बंधुओं, पुशिंग द लोअर द हायर। तुम जब तक अपने बुराइयों को, उस कीचड़ को पुश ना करोगे, धोगे नहीं, तब तक कमल बनकर खिलोगे नहीं,